आदि गुरु शिव की चेतना से प्रकाशित अनादि नगरी काशी गत 8 वर्षों से अपने सांसद और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकास के नित नए कीर्तिमान बना रही है। वाराणसी में विकास की जो अविरल धारा बह रही है, उस कड़ी में कई और परियोजनाओं की श्रृंखला आज जुड़ रही है। 550 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 30 परियोजनाओं के लोकार्पण से बदलेगी वाराणसी। क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए जिन 6 शहरी व वाराणसी स्मार्ट सिटी की परियोजनाओं को पूर्ण किया गया है, वे हैं पेट्रोल व डीजल चलित 500 नौकाओं को CNG में बदलने का कार्य, पुरानी काशी के कामेश्वर महादेव वार्ड का पुनर्विकास, लहरतारा चौकाघाट फ्लाईओवर के नीचे नए विकसित वेंडिंग जोन की शुरुआत, दशाश्वमेध घाट पर पर्यटकों की सुविधा के लिए बाजार परिसर की शुरुआत, हरहुआ ग्राम दासेपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 608 EWS भवन का निर्माण, नगवा में 33/11 KV का सब स्टेशन। इन 6 परियोजनाओं को पूरा करने में 130 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए गए। 50 करोड़ रुपए की लागत से सामाजिक कल्याण और शिक्षा संबंधित जो परियोजनाएं संचालन के लिए तैयार हैं, उनके नाम हैं पिंडरा के महगांव में ITI, BHU में वैदिक विज्ञान केंद्र फेज 2, रामनगर में राजकीय बालिका गृह, दुर्गाकुंड के सरकारी वृद्धाश्रम में थीम पार्क, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय परिसर में विभिन्न निर्माण, क्षेत्र के लोगों के लिए सहज यात्रा सुनिश्चित करने के लक्ष्य के साथ पुल और सड़कों से जुड़ी 7 महत्वपूर्ण परियोजनाओं का कार्य पूर्ण हुआ है। ये हैं बाबतपुर कपसेठी भदोही रोड पर 4-लेन ओवरब्रिज का निर्माण, सेंट्रल जेल रोड के वरुणा नदी पर पुल का निर्माण, पिंडरा कठिराव मार्ग का चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण, फूलपुर सिंधोरा लिंक रोड का चौड़ीकरण, 8 ग्रामीण सड़कों का निर्माण एवं सुदृढ़ीकरण, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 7 सड़कों का निर्माण, धरसोना सिंधोरा मार्ग का चौड़ीकरण। करीब 130 करोड़ रुपए की लागत में तैयार इन परियोजनाओं से वाहनों का आवागमन सुलभ और तेज होगा और बेहतर कनेक्टिविटी से विकास को बढ़ावा मिलेगा। 200 करोड़ रुपए की लागत से सीवरेज व जलापूर्ति के नेटवर्क को और सुदृढ़ करने वाली 6 परियोजनाएं भी लोकार्पण के लिए तैयार हैं। ये परियोजनाएं हैं ट्रेंचलेस तकनीक द्वारा वाराणसी की पुरानी ट्रंक सीवर लाइन यानी शाही नाले का जीर्णोद्धार, ओल्ड ट्रंक सीवर से रिलीविंग ट्रंक सीवर में पानी के अतिरिक्त प्रवाह को मोड़ने के लिए सीवर लाइन, ट्रांसवरुणा क्षेत्र में 25,782 सीवर हाउस कनेक्शन, मुकीमगंज एवं मच्छोदरी क्षेत्र में ट्रेंचलेस तकनीक से सीवर लाइन, सिसवरुणा जलापूर्ति योजना का पुनर्वासन, तातेपुर गांव में ग्रामीण पेयजल योजना। हमारे प्रतिभावान खिलाड़ी बेहतर सुविधाएं पाएं और अपनी मेहनत और लगन से प्रदेश व देश का नाम रोशन करें, इसके लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्रीड़ा संकुल बड़ा लालपुर में सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक एवं बास्केटबॉल कोर्ट बनकर तैयार है। इन कार्यों के निर्माण में 8 करोड़ रुपए से अधिक खर्च हुए। लोगों के लिए सशक्त सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने और हमारे सुरक्षा बल के लिए बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध करने के लक्ष्य के साथ 13 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से 3 परियोजनाएं बनकर तैयार हैं। ये हैं सिंधोरा में थाने के लिए अनावासीय भवन, मिर्जा मुराद चोलापुर जनसा और कपसेठी थानों में आवासीय कक्ष और बैरक का निर्माण, पिंडरा में अग्निशमन केंद्र का निर्माण। इन सभी 30 परियोजनाओं के लोकार्पण से शुरू हो रहा है वाराणसी की सतत विकास यात्रा का एक नया अध्याय। साथ ही आज माननीय प्रधानमंत्री जी 1200 करोड़ रुपए की लागत की 13 परियोजनाओं का शिलान्यास भी कर रहे हैं, जिसमें पुल निर्माण और सड़क चौड़ीकरण से जुड़ी 6 बड़ी परियोजनाएं और संस्कृति और पर्यटन से जुड़ी परियोजनाएं शामिल हैं। स्पोर्ट्स स्टेडियम सिगरा का 87 करोड़ रुपए की लागत से फेज 1 का पुनर्विकास कार्य भी शुरू किया जा रहा है। काशी के जन जन के सपनों और आकांक्षाओं की पूर्ति और क्षेत्र, प्रदेश और देश को विकास के पथ पर और तेजी से अग्रसर करने का प्रधानमंत्री जी का संकल्प हर काशीवासी को गर्व से भर देता है। बदलती काशी के लिए और प्रदेश के भविष्य को संवारने के लिए वाराणसी की जनता की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का कोटि कोटि आभार।